नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन लेखा जोखा और मैं हूं पल्लवी सरी। आज सबसे पहले एक बार फिर बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि कल इंटरनेट को लेकर नया ऑर्डर आना था और सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, काफ़ी र्यूमर्स फैल रहे थे कि 4G रिस्टोर होने वाला है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि नगरोटा टोल प्लाज़ा पर, बन टोल प्लाज़ा के ऊपर जो टेरर एनकाउंटर हुआ उसके बाद, और साथ ही में कश्मीर घाटी में जितनी टेरर एक्टिविटीज़ हुई उसके बाद, DGP दिलबाग सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं और ये भी कहते हैं कि VPN का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है। इसके चलते पॉसिबल नहीं था कि 4G रिस्टोर हो पाता, और कल जो ऑर्डर भी आया है उसमें भी इन्हीं सब इंसिडेंट्स का हवाला देकर 2G की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वही मेंटेन की गई है। यह ज़रूर हुआ है कि जो वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स थी उनकी संख्या जो है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स पहले 329 थी और अब 481 हो गई हैं, यानी कि थोड़ी बहुत वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स बढ़ा दी गई हैं। लेकिन इन वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी वेबसाइट्स ऐड की गई हैं। speedtest.net, यानी कि आप अपनी इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर सकते हो, ये वेबसाइट ऐड की गई है 2G पर। कोशिश करेंगे तो शायद से आपकी ये वेबसाइट भी खुल नहीं पाएगी। साथ ही में शिक्षा.com, TCS.com, Dropbox.com, Dropbox.com मैं आपको बता दूं कि वो एक ड्राइव की तरह है, गूगल ड्राइव की तरह है। वहाँ पर आप क्लाउड में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएँ ड्रॉपबॉक्स में 2G इंटरनेट के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा, एक मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है। जब भी ये ऑर्डर आता है, उम्मीदें और तवक्का ये होती है कि 4G रिस्टोर हो जाएगा, कंप्लीट इंटरनेट रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो हालात बन जाते हैं उसमें साफ मालूम चल जाता है कि इंटरनेट रिस्टोर नहीं होने वाला है। अब ये ऑर्डर जो है ये 15th को रिव्यू होगा, 15 फरवरी को एक नया ऑर्डर आएगा और उसमें बताया जाएगा कि कोई रिलैक्सेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी इंटरनेट में या नहीं, 2G से 3G पर पहुँचेंगे या नहीं। और VPN का इस्तेमाल तो ऑलरेडी सभी लोग कर ही रहे हैं, और VPN का इस्तेमाल करके वो अपना सर्वर सिंगापुर, कतर, कोई भी कंट्री, रशिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का सर्वर इस्तेमाल करके वो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, और 2G इंटरनेट के ऊपर तभी वो अपना इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। जिसकी वजह से आपको मैंने पहले भी बताया कि VPN को लेकर बहुत सारे प्राइवेसी इशूज़ खड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं होम डिपार्टमेंट से तो बार बार उन्होंने कहा कि VPN ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे भी जो पेड VPN है वो ब्लॉक नहीं हो पा रहे। साथ ही में एक एक शख्स ने अपने फ़ोन में 14, 15, 16 तक VPN डाउनलोड कर रखे हैं, ताकि अगर एक VPN ब्लॉक होता भी है तो वो दूसरे पर शिफ्ट करते हैं, दूसरा ब्लॉक होता है तो वो तीसरे पर शिफ्ट करते हैं। एक बार पहले भी मैंने आपको बताया कि VPN इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपके फ़ोन में आपकी नेट बैंकिंग की ऐप है, अगर आपके फ़ोन में आपकी UPI है, या अपने फ़ोन में आप नोट्स में अपने पासवर्ड सेव करके रखते हैं, गूगल क्रोम में आप अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के पासवर्ड सेव करके रखते हैं, आपका जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट्स में आपकी गूगल ड्राइव की फ़ोटोग्राफ्स हैं, या जीमेल अकाउंट में भी आपने अपने बैंकिंग से रिलेटेड या अपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड, ऑनलाइन जितने आपके अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर सेव करके रखी है, तो अगर आप VPN इस्तेमाल करते हैं तो जिस कंट्री का आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस ऐप प्रोवाइडर का VPN आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे इजाज़त दे रहे हैं कि वो सारा डेटा वो एक्सेस कर पाएँ। इसका मिसयूज़ भी होता है, ऐसा कई केसेस में देखने को भी मिला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि 2G इंटरनेट चल रहा है और अभी तक प्रॉपरली इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया गया है, इस वजह से लोगों के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि जियो चैट को वाइट लिस्ट किया गया था। जियो चैट का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, कॉलिंग कर सकते थे, लेकिन 2G इंटरनेट के ऊपर। और उसके बाद वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स में जियो चैट को भी हटा दिया गया। इसके चलते अब लोगों के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए, या सोशल मीडिया नहीं भी एक्सेस करें, वो बाकी वेबसाइट्स जिन्हें 2G पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी अब कोरोना वायरस को लेकर लोग चिंतित हैं। आज जम्मू कश्मीर में 65 स्टूडेंट्स जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है चाइना की या फिर थाईलैंड की, उन लोगों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। इसका मतलब कि उनकी मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई गई है, फिलहाल टेस्टिंग चल रही है।
ये ढूंढने की कोशिश की जा रहा है कि वो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव तो नहीं है। अगर उनमें वायरस पाया जाता है तो फिर उन्हें बाकी जो पॉपुलेशन है उसे सेपरेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 65 ऐसे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जिन जो पहले चाइना ट्रैवल कर चुके हैं और अब या तो जम्मू कश्मीर में या न्यू दिल्ली में उन्हें क्वारंटीन किया गया है। अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं किया है। जम्मू में भी 6 ऐसे लोग जिन्होंने चाइना या थाईलैंड पहले ट्रैवल किया है, उसमें एक एल्डरली कपल भी है, उन लोगों को भी फिलहाल क्वारंटीन किया गया है और टेस्टिंग चल रही है। उसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं जो चाइना जा चुके हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, जो लोग चाइना जा चुके हैं थाईलैंड जा चुके हैं, उन लोगों का भी टेस्ट हो रहा है ताकि, और वो खुद भी जाकर मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं ये जानने के लिए कि कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसी हफ्ते में 34 कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना से आए और उन्हें भी एक मेडिकल फैसिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली में सेटअप की है, वहाँ पर उन्हें क्वारंटीन किया गया है और टेस्टिंग जो है वो फिलहाल चल रही है। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं किया है। साथ ही में जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के पूर्व स्पीकर मुबारक गुल और साथ ही में एनसी के एक लीडर तनवीर सादिक, उन्हें एमएलए हॉस्टल से रिलीज किया गया। वो 5 अगस्त के बाद से एमएलए हॉस्टल में डिटेन थे लेकिन उन्हें रिलीज़ किया गया और अब उन्हें फौरन बाद हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है, यानी नज़रबंद कर दिया गया है अपने ही घरों में। ऐसा पहले भी देखने को मिला, हमने आपके साथ शेयर भी किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और साथ ही में पीडीपी के वहीदुर रहमान परा, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ था कि उन्हें एमएलए हॉस्टल से तो रिलीज़ कर दिया गया लेकिन उसके बाद अपने ही घरों में नज़रबंद कर दिया गया। और साथ ही में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उन दोनों के ऊपर पीएसए लगा दिया गया है, वो दोनों पीएसए के अंदर डिटेन्ड हैं। साथ ही साथ आज बात करेंगे एसटीपीस की, यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अक्सर पोल्यूशन लेवल्स को लेकर चिंतित रहता है, ये लेकर चिंतित रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स हों या कोई हो रेस्टोरेंट्स हों होटल्स हों, उन्होंने क्या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है या नहीं बनाया है। जो भी रूल सेटअप किए गए हैं जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, क्या वो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक मजाक बन के रह चुका है। जम्मू, आपको मैं बता दूं कि 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भगवती नगर के इलाके में बनाए गए थे। भगवती नगर में एक 27 MLD कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, एक 10 MLD कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था और 164 MLD का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भगवती नगर में बनाया गया था। और उसको लेकर भी हमने एक बार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपके साथ शेयर की थी कि उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हालत ये है कि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे फंक्शन करना तो क्या, 2 प्लांट्स उसमें फंक्शनल कम्प्लीटली डिफंक्ट हैं, कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, इक्विपमेंट है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही। वो आखिर क्यों नहीं हो रही, आज हमें मालूम चला कि जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिसेस इशू किए थे इन 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी, क्योंकि ये नॉन कम्प्लाइंग थे। यानी कि जिन रूल्स को, जिन नॉर्म्स को फॉलो करके इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाना चाहिए था, वो सारा कुछ फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फंक्शनल नहीं हो पाए। मैं आपको बता दूं कि जो 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था उसे बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये लगाए गए थे, और साथ ही में जो बाकी 27 MLD कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था और 164 MLD कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उन्हें बनाने में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर फंक्शनल नहीं किया गया। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कई इंस्टीट्यूशंस को, मैं बात करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर, उसे नोटिस इशू किया कि वो भी जो उन्होंने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है वो भी नॉन कम्प्लाइंग है। नॉन कम्प्लाइंग का मतलब कि जो सारी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए थी, जो सभी रूल्स को फॉलो करके उसे लगाना चाहिए था, वो सब फॉलो नहीं हुआ था, वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं था। इसके चलते स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जीएमसी जम्मू को भी नोटिस इशू किया, लेकिन नोटिस इशू होने के बाद कुछ एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही में होटल हरि निवास पैलेस, ग्रीनलैंड पैलेस, नकुल पैलेस, श्यामजंज घर, ये सारे ऐसे होटल्स हैं जिन्हें भी नोटिस इशू किया गया। और जैसे मैंने बताया कि ग्रीनलैंड पैलेस, नकुल पैलेस और श्यामजंज घर,
इन तीनों को तो क्लोजर नोटिस इशू किए गए। क्लोजर नोटिस जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड DC जम्मू को कहता है कि इन सभी इंस्टीट्यूट्स का जो लाइसेंस है जिसके तहत ये फंक्शन कर रहे हैं उसे कैंसिल कर दिया जाए। साथ ही साथ PGD से कहा जाता है कि इसकी बिजली काट दी जाए। PHE डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि इसकी वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए। ये होता है उस नोटिस में जब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक नोटिस जारी करता है किसी भी वर्किंग एंटरप्राइज को बंद करने के लिए। लेकिन ऐसे कई क्लोजर नोटिस अलग अलग होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, कार वॉशिंग फैसिलिटीज़ को जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशू करता है, लेकिन उसके ऊपर फंक्शन नहीं होता, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको बता दूं, कांगड़ा फोर्ट जो बरनाई में है उसे भी एक नोटिस इशू किया गया है। क्लोजर नोटिस नहीं है, ये नोटिस इशू किया गया है ये जानने के लिए कि वहाँ पर जो STP है वो कंप्लाई क्यों नहीं कर रहा। उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जम्मू का है उसे भी नोटिस इशू किया गया है, लेकिन उसका जवाब भी उन्हें नहीं मिला। गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल रिहाड़ी, उन्हें भी एक नोटिस इशू हुआ है। गवर्नमेंट साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल बख्शीनगर, उन्हें भी ये नोटिस इशू हुआ है। उसके अलावा रॉयल एस्टेट जो तोफ में है उन्हें भी एक नोटिस इशू हुआ है। इसके अलावा और कई ज़्यादा ऐसे होटल्स हैं, होटल एल्पाइन है पत्नी टॉप में, होटल स्नो व्यू है पत्नी टॉप में, होटल महाराजा रिजॉर्ट्स है, होटल सिंह एक्सेस है उधमपुर में, इन सभी होटल्स को और उसके अलावा कई सारे नाम मेरे सामने हैं इस वक्त। मैं क्या क्या आपको पढ़ के बताऊँ, इन सभी होटल्स को, इन सभी एंटरप्राइजेस को, रेस्टोरेंट्स को नोटिस इशू हुए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जब भी जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या इन इनके मालिकों से ये सवाल पूछता है कि भाई आप रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तो क्योंकि वो सभी लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। साथ ही साथ जब जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एग्जिस्टिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भगवती नगर में बनाए गए हैं, जो बनाए भी सरकारी पैसे से गए थे, जो बनाए भी सरकारी विभागों ने हैं, उस नोटिस का कोई भी फर्क उन STPs पर नहीं पड़ रहा, तो प्राइवेट एंटरप्राइज पर आम आदमी अब क्या ही एक्सपेक्ट करे, क्या ही फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नोटिस इशू करता है, क्लोजर नोटिस इशू करता है, तो आप कभी पढ़िएगा उस नोटिस को, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट वाइट लिस्टेड है, कि आप देखिएगा कि उस नोटिस में बड़े प्यारे तरीके से लिखा होता है कि आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए, इसलिए अब आपके एंटरप्राइज को बंद कर दिया जाएगा, आपके होटल को बंद कर दिया जाएगा। DC जम्मू से कहा जाता है कि भाई आप कैंसिल करें, आप पूरा सहायता करें इसे बंद करने में। PDD से कह दिया जाता है इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दें। PHE से कह दिया जाता है वाटर सप्लाई बंद कर दें। लेकिन होता क्या है, वो जो भी होटल हो, वो जो भी रेस्टोरेंट हो, वो जो भी कार वॉशिंग फैसिलिटी हो, स्टोन क्रशर हो, कुछ भी हो, वो जिस तरह से फंक्शन कर रहा होता है उसी तरीके से फंक्शन करता रहता है और किसी के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ता। तो आखिर जम्मू कश्मीर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर ताला क्यों ना लगा दिया जाए? क्यों स्टेट एक्सचेकर के ऊपर वो एक बोझ बनकर बैठा हुआ है जब उसकी सुनता ही कोई नहीं है? काम उसका सही है, काम ये है कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो जम्मू कश्मीर में मेंटेन किए जाए, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करवाया जाए। हॉस्पिटल्स में क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स जितनी भी ये रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, इन्हें अधेयर करें, इन सभी को फॉलो करें, ताकि जो आम लोग उस हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं, ये जो आम लोग उस हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम कर पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कारण है? साथ ही में आज दूसरे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, वो ये कि जम्मू कश्मीर में कितने सारे केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोर्टों में पेंडिंग हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स की बात करें, तो मेरे पास ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, जिसमें ये मेंशन है कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में 73,843 सिविल केसेस पेंडिंग हैं और 1,03,411 जो हैं क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। टोटल 1,77,254 टोटल केसेस डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। ये केसेस अगर आपको ज़्यादा नहीं लग रहे, तो मैं आपको टोटल फिगर बता दूं कि भारत में अलग अलग कोर्टों में 3,19,00,000 केसेस जो हैं उन कोर्टों में पेंडिंग है, और ये तो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की मैंने बात की, अभी हाई कोर्ट के फिगर्स अलग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक आम आदमी इन कोर्ट्स में जाता है, उसकी तवक्का ये होती है कि उसे इंसाफ मिलेगा, बट एक बहुत ही पॉपुलर कोर्ट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
2020 तक का ये डाटा है, 29 जनवरी 2020 तक टोटल 177,254 केसेस जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो आखिर इंसाफ लोगों को मिलेगा कैसे? इसमें से मैंने आपको बताया कि 1,00,000 तो ऐसे केसेस हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं। तो जिस फैमिली या जिस इंडिविजुअल के खिलाफ कोई क्राइम कमिट होता है वो कब तक इंतज़ार करेगा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? हमारी जुडिशरी इतनी स्लो आखिर क्यों है, जब कोशिशें भी की जा रही हैं कि जो कि जितने भी लोग इन कोर्ट्स में जाते हैं वो केसेस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, केसेस जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके, उसके बावजूद भी इतनी पेंडेंसी इन कोर्ट्स में क्यों है? क्या कारण है कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे? वहीं दूसरी ओर अगर हम हाई कोर्ट की भी बात करें तो हाई कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि देश भर में 45,00,000 केसेस इंडिया में अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, 45,00,000 केसेस। और हम जम्मू कश्मीर के बारे में अगर स्पेसिफिक बात करें तो 75,613 टोटल केसेस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें से क्रिमिनल केसेस 8,142 हैं। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में क्रिमिनल केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में कम होते हैं और साथ ही में सिविल केसेस, लेकिन सिविल केसेस 39,770 हैं और उसके अलावा रिट पिटिशंस, रिट्स 27,701 रिट्स जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक बार सोचिए, एक बार समझने की कोशिश करिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में मिलाकर कितने सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है। ये 29 जनवरी 2020 का डेटा है। इनमें से कई ज़्यादा केसेस लैंड के भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लैंड एक बहुत बड़ा मसला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाकामी हो या फिर JDA का पंगा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसको लेकर जब लोग कोर्ट में पहुंचते हैं तो सालों साल उनको इंतज़ार करना पड़ता है इंसाफ के लिए। इसका भी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं करने के लिए कि भाई आप जाएं कोर्ट में, तब तक जो लैंड होती है उसके ऊपर कब्जा हो गया होता है और जब कोर्ट फैसला लेने आती है तो वो कहती है भाई जिसके पास कब्जा है उसी को लैंड दे देते हैं। आप देखें कि कितने सालों साल ये केस चलते हैं, और जब ये केस चलते हैं और एक आम आदमी को भी पता है कि अगर वो कोर्ट चला गया तो उसके 10-15 साल कहीं नहीं गए, 10-15 साल वो केस खींचेगा ही खींचेगा, तो कितने लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? रिट पिटिशंस आपने सुनी, 27,701 रिट पिटिशंस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें कई सारे PILs हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है, जिनका निपटारा करना बहुत एसेंशियल है। क्रिमिनल केसेस मैंने आपको बताया, एक इंसान जिसके खिलाफ कोई क्राइम कमिट होता है वो कितनी देर इंतज़ार करेगा कि उसे प्रॉपर चैनल से जस्टिस मिलेगा। हमें कंट्री वाइड देखने को मिला कि जब हैदराबाद केस हुआ, हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ, तो उसको लेकर जो लोगों में है, लोग खुश थे ये जाने बिना कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि जुडिशरी, उन्हें जुडिशरी पर से विश्वास जो है लोगों का उठता जा रहा है, और वो विश्वास इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि जुडिशरी बहुत समय लगाती है फैसले सुनाने में, और यही हाल जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये था आज का लेखा जोखा, हमने आपसे डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर बात की। कल फिर मुलाकात होगी और कल फिर आपको बताएंगे कि पूरा दिन जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ।